गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग. ओके, यानी ह्यूमन बींग के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके में हम फीमेल और मेल के सिस्टम स्टडी करेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन और उसके बाद दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टडी करेंगे. ठीक है, तो प्यूबेरिटी में क्वेश्चन पूछा गया 2020 में ही पूछा गया था कि डिफाइन करना था प्यूबेरिटी. ओके, तो द एज विच यानी हमारी जो डेवलपमेंट जो हम स्टार्टिंग जब बॉर्न होते हैं तभी से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, इसी डेवलपमेंट के बीच में हमारे एक स्टेजेस आती है जब हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज यानी जहाँ पर स्पेशल टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होगा यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, उनका मेच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है यानी वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, द एज विद द सेक्स हार्मोन्स बॉयज में होता है टेस्टोस्टेरोन और गर्ल्स में होता है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन. ठीक है, आप लर्न करने की जरूरत नहीं, आगे स्टडी में आता रहेगा हमारे. ठीक है, सेक्स हार्मोन्स बिगिन टू प्रोड्यूस, इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में. द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मेच्योर, और बॉयज और गर्ल्स क्या होते हैं, सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं. गर्ल्स में होता है 10 से लेके 12th 11 तक स्टार्टिंग एज होती है, और बॉयज में जो मेच्योरशिप पीरियड स्टार्ट होता है वो 12 से 13 का स्टार्टिंग पीरियड होता है. ठीक है, इसमें हमारी बॉडी में यानी मेल और फीमेल बॉडी में डिफरेंट काइंड के चेंजेस आते हैं. ठीक है, जिसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है, फिजिकल चेंजेस तो इजीली आइडेंटिफाई होते हैं लेकिन इमोशनल चेंजेस भी होते हैं. ठीक है, बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं हर चीज़ पे. ठीक है, कुछ हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हर चीज़ पे हमें गुस्सा आता है, तो ये हमारे इंटरनल चेंजेस होते हैं, ये हार्मोन्स चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बॉयज़ में जो प्यूबर्टी टाइम होता है उसमें क्या क्या चेंजेस, यानी बॉयज़ में जब चेंजेस आता है उनमें हार्मोन्स जब बनना स्टार्ट होता है तो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो लेट्स सी. हेयर ग्रोथ अंडर द आर्मपिट एंड द प्यूबिक रीजन और आर्मपिट में उनके हेयर ग्रोथ हो जाएगी, ये कॉमन है, गर्ल्स में भी होता है और बॉयज में भी होता है. ठीक है, हेयर ऑल्सो ग्रो ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बॉयज लाइक चेस्ट फेस मस्टर्च एंड बियर्ड एक्सेट्रा. ठीक है, मूछी आना स्टार्ट हो जाती है, बियर्ड आना यानी दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, तो ऑब्वियसली बेटा ये ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में स्टार्ट हो जाता है, इनका एक पर्टिकुलर मतलब स्लोली पहले बहुत कम आती है, धीरे धीरे बहुत डिस्टेंस होता है उनके अंदर, फिर धीरे धीरे ये बहुत डार्क हो जाती है. ठीक है, बॉडी बिकम मोर मस्कुलर, बॉडी जो होती है वो मस्कुलर हो जाती है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, क्योंकि मसल्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो उनकी बॉयज की जो बॉडी होती है वो मस्कुलर हो जाती है. ठीक है, वॉइस बिकम लो पिचेस, ये तो बहुत देखा होगा, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपके छोटे भाई हैं, अभी तो आप खुद छोटे हो, जब आप बड़े होंगे, आप छोटे भाई होंगे, तो वो इस एज के इस जो आपकी जो एज है उसमें आने के बाद उनकी वॉइस बहुत चेंज हो जाती है, वॉइस में बहुत ज़्यादा इजीली आइडेंटिफाई होती है, भारी आवाज़ हो जाती है. ठीक है, क्योंकि उनकी पिचेस क्या होती है, लो हो जाती है. ठीक है, द पीनस एंड टेस्टिस, पीनस और टेस्टिस जो होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स है. ठीक है, ये लार्जर हो जाते हैं, टेस्टिस स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, जो टेस्टिस है वो स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है. ओके,